खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। समय की बड़ी खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है वो आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में फिक्सिंग की साजिश के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के संकेत दिए हैं। दोपहर 2 बजे तक ये फैसला आएगा। पूरा मामला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से जुड़ा हुआ है। रंजन गोगोई ने अब इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में फिक्सिंग के आरोपों पर दोपहर 2 बजे ये फैसला आएगा। वकील उत्सव बैस की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिक्सिंग की जांच के आरोप लगाए गए थे। अब इस मामले में फैसला 2 बजे आएगा। निपुण सहगल हमसे जुड़ गए हैं। निपुण, क्या अपडेट है, प्लीज बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है इन बातों को कि मुख्य न्यायाधीश को फंसाने की साजिश रची जा रही है, जैसा दावा उत्सव बैंस नाम के वकील ने किया है। न सिर्फ इतना बल्कि फंसाने के खेल में शामिल वो लोग हैं जो कि फिक्सिंग का काम करते हैं, जो बेंच की फिक्सिंग का या फैसलों की फिक्सिंग की कोशिश करते हैं, और उनके काम पर जब चोट लगी चीफ जस्टिस की सख्ती से तो उन्होंने साजिश रची। ये जो दावा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा इसकी सत्यता को परखना जरूरी है, इसलिए हम एक जांच टीम का गठन करेंगे। 2 बजे औपचारिक आदेश दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस महिला ने चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत की थी उसके मामले में जो जांच हो रही है उसका इस जांच से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। साजिश के पहलू की जांच अलग से करवाई जाएगी और 2 बजे आदेश आएगा। निपुण, जिस तरीके से कल सीबीआई चीफ, आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बुलाया गया था, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जांच एकदम अलग होगी जो महिला ने आरोप लगाया है, और इस फिक्सिंग के आरोप में जांच का जो आदेश है वो 2 बजे आएगा। जी बिल्कुल, देखिए नियमों के मुताबिक एक इनहाउस कमेटी का गठन किया गया है 3 जजों की, जो अलग से इस मामले को देख रही है, महिला की शिकायत जो है उसको कि क्या तथ्य है क्या नहीं है, महिला कब कहां पोस्टेड थी और उसकी शिकायत में कितना दम है कितना वजन है। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है खुली अदालत की, वो दूसरी बेंच है जो कि साजिश के पहलू को देख रही है और साजिश के पहलू की जांच करवानी जरूरी है, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता से और न्यायपालिका की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पहलू पर जांच अलग से होगी। 3 अधिकारियों को जो बुलाया गया था, उम्मीद की जा रही है उनको मिलाकर, दोनों तीनों संस्थाओं को मिलाकर कोई एसआईटी का गठन होगा जिसकी जानकारी 2 बजे दी जाएगी।